नमस्कार, असम आदित्य की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। डिब्रूगढ़ के एक निजी क्षेत्र के अग्रणी शिक्षा संस्थान संपूर्णा केंद्र विद्यालय के दो छात्रों ने नीट और सीईई परीक्षाओं को पास कर संस्थान एवं असम के लिए गौरव अर्जित करने में सफलता हासिल की है। डिब्रूगढ़ के एक निजी क्षेत्र के अग्रणी शिक्षा संस्थान संपूर्णा केंद्र विद्यालय के दो छात्रों ने नीट और सीईई परीक्षाओं को पास कर संस्थान के लिए गौरव अर्जित की है। संपूर्णा केंद्र विद्यालय के हायर सेकेंडरी विभाग के पहले बैच के छात्र चैतन्य तिवारी ने नीट परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 2412 हासिल की है। गौरतलब है कि अपनी एकाग्रता और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कड़ी मेहनत से 662 अंक अर्जित की है। वहीं दूसरी ओर रेहान फामिद ने सीसीई परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर असम इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट हासिल की है। धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिना कोचिंग के उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया और इन 2 सालों में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मैं जो भी अपना सजेशन देता था मुझे कैसे पढ़ना है वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, और वो मुझे बोलते थे कि हाँ तुम कर सकते हो और यस यू कैन गो फॉर इट। अभिनंदन समारोह में संपूर्णा केंद्र विद्यालय के संचालक एम नायजू और प्रधानाचार्य महाश्वेता नायर एवं उपाध्यक्ष जयंत सुतिया के साथ साथ ट्रस्ट के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी भी मौजूद रहे। वेरी हैप्पी टू शेयर दैट आवर स्कूल हैज अचीव्ड अ बिगर माइलस्टोन आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दिस थिंग्स। एंड आवर चैतन्य हैज गॉट 662 मार्क्स, प्रोबेबली दिस इज द हाईएस्ट इन डिब्रूगढ़ टाउन। दो नाउ देर आर इन टाउन देर आर मेनी कोचिंग सेंटर, दिस इज द आई थिंक वेरी गुड स्कोर इन द टाउन, सो आई एम फील वेरी हैप्पी। सिमिलरली मेनी अदर स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट वी कुड नॉट ब्रिंग इट टू हियर। एंड रेहान ऑल्सो हैज गॉट द सीट इन AEC एंड वी आर वेरी हैप्पी। एंड I congratulate all my teachers, all my people who work directly and indirectly to school. I also express my thanks to all the parents. Thank you. News desk report, Assam Aditya. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौड़ान के ख्वांग पुलिस थाने के अंतर्गत ख्वांग घाट में रात को भयंकर आग लगने के कारण दो व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से आग में जल गए, जिसके चलते 20 लाख रुपए से भी ज्यादा नुकसान होने की आशंका की जा रही है। ख्वांग पुलिस थाने के अंतर्गत ख्वांग घाट में दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रात को भयंकर आग लगने से दोनों व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से जल गए। खबरों के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे ख्वांग घाट के सुब्रतो दत्ता की स्टेशनरी दुकान एवं बादल बैनर्जी की किराने की दुकान में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रखा सारा सामान जल गया। दोनों व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिकों ने बताया कि आग की वजह से दोनों प्रतिष्ठानों के करीब 20 लाख रुपए से भी ज्यादा का सामान जल गया है। गौरतलब है कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोनों प्रतिष्ठानों के मालिकों को यह शक है कि किसी बदमाशों ने ये आग लगाई है। কালি ৰাতি প্ৰায় 2:30 বজাত দোকানখন আমাৰ জুই লাগিছে। জুই লগাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই দোকানখন জ্বলি অলমষ্ট শেষ হৈ গ'ল, আৰু প্ৰায় আপোনাৰ 10-12 লাখ টকাৰ বস্তু আছিলে, চব জ্বলি নাইকিয়াই হৈ গ'ল, আৰু একোৱেই নাই এতিয়া বস্তু। আৰু মৰাণ জিতু চাংমাইকি ৰিপৰ্ট আছাম আদিত্য। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 4 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1822 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मैरी टोड के साथ शादी की थी। 1936 में प्रख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी का जन्म हुआ था। 1970 में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराज जी का निधन हुआ था। 1980 में हॉलीवुड के पूर्व अभिनेता और कैलिफोर्निया के गवर्नर रोनाल्ड रीगन ने जिमी कार्टर को बड़े अंतर से हराकर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। 1995 में
शिमोन पेरेज और यासर अराफात के साथ 1994 में नोबेल शांति पुरस्कार साझा करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रबिन की एक शांति रैली के दौरान यहूदी उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। 2001 में जे.के. रोलिंग्स की मशहूर हैरी पॉटर श्रृंखला पर बनी पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन का लंदन में प्रीमियर हुआ था। 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। वो इस पद पर पहुंचे अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी नागरिक थे। और आज ही के दिन सन 2018 में यमुना नदी पर बने विशाल सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। लोहे की मजबूत तारों से बने 154 मीटर ऊंचे इस सुंदर ढांचे को दिल्ली का नया हस्ताक्षर कहा गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।